सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है सोना और मुकुल को लेकर। सोना मुकुल जो कि यूट्यूबर भी हैं, एक इंस्टाग्रामर है, और फेसबुक पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंटेंट है इनका। ब्लॉगिंग के लिए ये लोग जाने जाते हैं, डांसिंग के लिए जाने जाते हैं, एक बार DLDA में ये लोग सेलेक्ट भी हुए थे। लेकिन इनकी जो ये वीडियोज़ हैं जो इस पर ये लोग थंबनेल बना बना के, और ऐसी कोई वीडियो लीक ही नहीं हुई, ऐसी कोई वीडियो वायरल ही नहीं हुई, लीक ही नहीं हुई, और लोग इनके थंबनेल को बना के इनकी MMS को लीक बता रहे हैं कि इस टाइप का MMS वायरल हुआ है, इस टाइप का MMS लीक हुआ है, और ये कंटेंट है, ये इनका ये है, ऐसा है वैसा है, और इस तरीके का जो कि मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर होता भी तो लोग उसको एक्साइटमेंट की तरह देखते क्यों? अब एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई अगर किसी की कॉन्टेंट को आपको बनाना है तो आप इस तरीके से लीक कॉन्टेंट क्यों बनाओगे? आप एक थंबनेल जनरेट कर रहे हो कि सोना और मुकुल का एक MMS वायरल हुआ। अब भैया उस MMS को हर कोई अपने YouTube चैनल पे लेके, गूगल पे, और यहाँ तक कि अपने टेलीग्राम चैनल पे खोज रहा है, और ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं, हर कोई अपने सर्चिंग टेबल पे है, और ऐसा कोई वीडियो वायरल ही नहीं हुआ है जिसको कि हर कोई सर्चिंग खोज रहा है और वीडियो मिल ही नहीं रहा। हर कोई कमेंट कर रहा है, भाई लिंक दो, भाई मुझे वीडियो चाहिए। अब ये वीडियो है ही नहीं तो वीडियो मिलेगी कहाँ से? कुछ फेक चैनल्स ऐसे हैं जो कि वीडियोस को बना के उसको फालतू की चीज़ों को बता के और अपने अच्छे खासे व्यू उठा रहे हैं, और जो कि रियलिटी में ऐसा है कि वीडियो में है ही नहीं, लोग उसको मजाक के तौर पे, एक अपने व्यू के तौर पे बस वीडियो को चला रहे हैं और कुछ भी नहीं।